सो हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हमारे साथ श्वेता मैम है और मैम का आज ये डे सेकंड है। मैम को कल मैंने स्कूटी का वेट और स्कूटी का बैलेंस वाला सिखाया था। कल मैम ने दोनों चीज़ें अच्छी कर ली। मैम की हाइट अच्छी है जिसकी वजह से मैम ने दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कर ली और मैम को मैंने कल ही स्कूटी स्टार्ट करवा दी। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन रेस के साथ पैरों की मूवमेंट सिखा दी। और जैसे कि आज मैम का सेकेंड डे है सो मैम दोनों पैर ऊपर रख के चलाना सीख रहे हैं और बस थोड़ा सा हैंडल का भी जा रहा है क्योंकि वो आइस कांटेक्ट जो है सामने नहीं देख रहे, इसकी वजह से थोड़ा हैंडल जा रहा है, थोड़े से घबराहट भी है, बट फिर भी डे सेकंड में अच्छा चला रहे हैं। और मैम ने बचपन में स्कूटी और साइकिल चलाई हुई है। मैम हल्का धीरे करो, धीरे करो, गुड, और अच्छे। तो कौन सा दिन है आज आपका मैम, कौन सा दिन है आपका आज? आज सेकंड डे। कैसा लग रहा है अभी चला के? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? बढ़िया लगा है। थोड़ा डर लग रहा है? अब कम हो गया। कम हो गया? अरे लग रहा था पहले थोड़ा ज्यादा लग रहा था। अच्छा, थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, पर सामने देखो आप, ठीक है? और कम ज्यादा, कम ज्यादा करना है, ऊपर तक नहीं चढ़ाना, ठीक है? ऊपर तक नहीं चढ़ाना, अभी नीचे ही लेके चाबी बंद करके आप पहले घुमा लो। और कम और ज्यादा, कम ज्यादा करते रहो, ठीक है? और दूसरी चीज़ है कि सामने देख के चलाओ। ये जो आपका हैंडल जा रहा है ना, वो सामने देखने की वजह से नहीं जा रहा। हाँ, वो थोड़ा भी। हाँ, तो नीचे मत देखिए, सामने देखिए, ठीक है? बाकी बहुत अच्छा है, कोई भी दिक्कत हो रही है रोक लो, बाकी ऐसे ही चलाओ, लेकिन सामने देख के चलाओ और रेस को एडजस्ट करते हुए, ठीक है? गुड। नहीं नहीं आगे लेकर जाओ और फिर घुमाना। हाँ चलो, ब्रेक पे हाथ, वेरी गुड। हाँ गुड, हाँ सामने हल्का, हाँ फिर हल्का कीजिए, हल्का करो मैम बार बार। हाँ गुड। सो जैसे कि मैम अगर देखिए, अगर आपको ये स्टेप चलाना है ना दोनों पैरों पर रखे, उससे पहले जो सबसे मेन स्टेप है स्कूटी के साथ, स्कूटी को रेस के साथ पैरों की मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो स्टेप जब तक आप कवर नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ प्रॉब्लम करेगी आपको, क्योंकि उस चीज़ में हर एक चीज़ कवर हो जाती है, चाहे आपका बैलेंस हो, चाहे आपका हैंडल हो, चाहे स्कूटी को संभालना ही क्यों ना, वो हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाती है। और वो स्टेप जो है, जो मैं सेकंड डे में सिखाती हूँ, वो आपको रश में भी काम आता है। तो सबसे पहले उस चीज़ को करिए। उसमें क्या होता है कि आपका जो पैरों की मूवमेंट है ना, वो रेस के साथ जा नहीं पाती है, क्योंकि आप पैरों को टाइट कर लेते हैं, बॉडी को टाइट कर लेते हैं, डर भी लग रहा होता है। तो क्या है कि पहले उस स्टेप को जितना जल्दी आप क्लियर करके, उसके बाद ही आप इसको स्टेप को कर पाएंगे। सो मैम ने जितना जल्दी वो क्लियर करा, सो मैम आज दो दिन में अच्छा चलाने लगे। अब एक दो दिन है, एक बार और इधर करके फिर ऑन रोड लेके जाऊंगे मैम को। सो आई होप मेरी वीडियो से सीख रहे होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।